नमस्कार जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और मेरे टेलीग्राम की पब्लिक को तो पता ही होगा कि आज सुबह सुबह क्या खबर निकल के आई है। अब देखो भाई लोगों, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपका मूड खराब करूं, सुबह सुबह कोई नेगेटिव अपडेट दूं, लेकिन जो मार्केट में चल रहा है वो तो आप तक पहुंचाना पड़ेगा ही ना। और आप सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं कि भैया ऐसा है कि बाइनेंस बहुत बड़ा आदमी है, बिलियनर है तो उसको कुछ नहीं होगा, बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंज है तो उसका कुछ नहीं होगा। देखो मैं भी यही चाहता हूँ और सब लोग यही चाहते हैं कि यही मार्केट के लिए अच्छा होगा कि बाइनेंस को कुछ भी ना हो। लेकिन एक थोड़ा लॉजिकल बात ये भी हमें समझनी चाहिए कि जिस पार्टी से उसका अभी पंगा चल रहा है, जिस देश से उसका पंगा चल रहा है, उसने छोटी बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि देश के देश ही उड़ा दिए। तो थोड़ा सा हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। तो इसके ऊपर भी एक अच्छी से डिस्कशन करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इन दिनों मार्केट से बाइनेंस हो या फिर और भी कोई अपडेट हो वो काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही है, तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो सुबह से भी एक खबर निकल के आई ताजा कि भैया binance.us सस्पेंड USD डिपॉजिट पोजिंग फिएट विड्रॉल चैनल्स। मतलब क्या है कि आज binance.us के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हमें देखने को मिला कि SSC का जो अभी कांड चल रहा है, SSC के जो एक्शन चल रहे हैं उसको देखते हुए, Binance Global अलग है, binance.us अलग है, ये आई होप आप सभी को समझ में पहले ही आ चुका होगा। तो binance.us की तरफ से एक ट्वीट आया कि भैया वो जो है USD डिपॉजिट, जो फिएट जो डॉलर है, उसका डिपॉजिट अभी बंद कर रहे हैं 13 जून से। और जो उनके बैंकिंग पार्टनर्स है, जो US के बैंकिंग पार्टनर्स है, वो भी जो विड्रॉल वगैरह वो जल्दी बंद करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर थी। और देखा जाए इस खबर के बाद में बिटकॉइन पर एक थोड़ा बहुत तो असर आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। ठीक है, मोटी मोटी अपडेट समझ में आ गई कि भैया क्या हुआ है। binance.us ने कहा है कि हम USD जो कि फिएट करेंसी है डॉलर, उसका डिपॉजिट हम बंद कर रहे हैं, विड्रॉल भी जो है वो मे भी आपको जल्दी बंद होते हुए दिख जाएंगे, बैंकिंग पार्टनर जो है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। अब इससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि SSC जिस तरीके के एक्शन ले रही है, बाइनेंस भी कहीं ना कहीं उसको अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि भैया अगर हम हिस्ट्री में देखें ना, बड़े बड़े फाइंस, बड़े बड़े एक्शन SSC के द्वारा लिए गए हैं। बाइनेंस का रिवेन्यू तो फिर भी इतना नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, JP Morgan के ऊपर $13 बिलियन का फाइन किया गया था, $13 बिलियन का। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही लाइटली ले लें, लेकिन हाँ अभी जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही ना, उससे यही समझ में आ रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ऐसा कोई इतना मातम वाला माहौल नहीं बन गया है। और गनीमत है कि अभी तक बाइनेंस ग्लोबल के ऊपर कोई खतरा नहीं हुआ है, बाइनेंस ग्लोबल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। जितनी भी अपडेट्स आई है वो binance.us से आ रही है। जैसे मान लो हमारा binance.in है या फिर binance.in, वैसे ऐसा है नहीं कोई एक्सचेंज, लेकिन जैसे नेटिवली अगर कोई हमारा इंडियन बाइनेंस एक्सचेंज हो वो कोई बंद हो जाए तो इतना ग्लोबली मार्केट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि US एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसके अंदर से जितनी भी अपडेट्स आती है वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इफेक्ट करती है। और इसीलिए जो binance.us की ये जो अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है ना, ये दुनिया भर को थोड़ा चिंतित कर रही है। लेकिन एक चीज़ और हमें देखना चाहिए कि इतनी बड़ी अपडेट्स के बाद भी बिटकॉइन के ऊपर इतना कोई खास असर देखने को नहीं मिला आज के दिन। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है कि हाल फिलहाल बाइनेंस के ऊपर लॉन्ग टर्म का पैसा तो नहीं रखना है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का पैसा भी आपको थोड़ा कम ही रखना है। ऐसा नहीं है कि भैया आप $1,000-2,000 अगर आपके लिए बहुत बड़े और आपको बाइनेंस के अंदर ट्रेड करना है तो आप उसके ऊपर ही सारा फंड रखे, बाकी एक्सचेंजों को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें जाएगा ही क्या, 10 मिनट का काम होता है एक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना। आप चाहे आपकी इच्छा हो तो बाइबिट पर बना लो, बाइबिट अच्छा नहीं लगता तो MEXC पर बना लो, वो भी अच्छा एक्सचेंज है, MEXC नहीं तो बिटमार्ट पर बना लो, OKX है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सचेंज है जिनके ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो। लेकिन बाइनेंस का एक अल्टरनेटिव आपको जरूर से रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगली अपडेट की बात करें सोलाना। अब देखो मैंने आपको पिछले दो वीडियो में बताया था कि सोलाना को एज अ सिक्योरिटी जो SSC है वो बता रहा है। सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं, किसी ने अभी तक आपको इतना डिटेल से बताया नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं, ऐसे टोकन्स जो कि ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं, जिनका किसी कंपनी के द्वारा ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, सप्लाई को छेड़ दिया जाता है, बड़ा घटा दिया जाता है वगैरह वगैरह। मतलब कि कुल मिला के ऐसे टोकन्स जिनमें यूज़र्स का पैसा थोड़ा ज़्यादा रिस्क में लगता है SSC को, उसको वो सिक्योरिटी वाले कैटेगरी में डाल देती है। अब इसी बीच सोलाना फाउंडेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया कि भैया जो सोल है, जो सोल टोकन है, वो सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी टोकन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो मैंने आपको बताई थी ना कि भैया एक कंपनी या फिर कोई भी मैनिपुलेटर उसको इजीली मैनिपुलेट कर दे, सेंट्रलाइज्ड बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर सोल वालों ने कहा है कि सोल इज़ द नेटिव टोकन
टू द सोलाना ब्लॉकचेन अ रिबस्ट ओपन सोर्स कम्युनिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दैट रिलीज ऑन डिसेंट्रलाइज्ड यूजर्स एंड डेवलप एंगेजमेंट टू एक्सपेंड एंड इन्वॉल्व। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भैया सिक्योरिटी टोकन के तरह हम नहीं है, हम भी डिसेंट्रलाइज है पूरी तरीके से, ओपन सोर्स कम्युनिटी है। तो इतना बड़ा एलिगेशन हम पे मत लगाओ कि भैया हम सिक्योरिटी टोकन है, ठीक है। तो सीधी सी बात, इन्होंने बस इतना ही स्टेटमेंट दिया जो कि सोल कम्युनिटी को थोड़ा सा मोटिवेट करा। अगली अपडेट की बात करें, यूरो जोन जो है ऑफिशियली रिसेशन के अंदर एंटर हो चुका है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात नहीं है, ठीक है। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि ग्लोबली कंडीशन किस तरीके से अभी मार्केट की चल रही है। ये तो हो गई अपडेट्स की बात। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्टरनेटिव एक्सचेंज रखो। अल्टरनेटिव एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज है, जो आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो आज एक और एक्सचेंज के बारे में बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट है और शायद काफ़ी लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, MEXC, ठीक है। तो अब अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आप MEXC के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। आगे इसी के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपको पता होगा मार्केट में बहुत कम ही ऐसे अच्छे एक्सचेंज है, जाने माने एक्सचेंज है, जो कि विदाउट KYC के आपको ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो उसके अंदर गिने चुने ही एक्सचेंज है जो कि बेस्ट सर्विस दे रहे हैं अपने यूजर्स को। तो मैं यहां पर आज इस वीडियो में आपको एक और एक्सचेंज के बारे में बताने आया हूं, जो कि मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छा लगता है और आप में से भी मैक्सिमम लोग शायद इसको यूज़ कर रहे हैं, और शायद जो नए लोग हैं उनको इसके बारे में नहीं पता है। तो उनको बता दूं, MEXC ग्लोबल करके एक काफ़ी जाना माना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जो कि मार्केट में काफ़ी लंबे समय से अपनी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो 0% फ्यूचर मेकर फीस है और 0.01% टेकर फीस है, यानी कि जो मेकर और टेकर फीस है वो ना के बराबर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जाओगे तो 200x तक की आपको लेवरेज देखने को मिल जाएगी, और USDT मार्जिन और कॉइन मार्जिन दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई से भी मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप करते हो USDT मार्जिन में, तो यहाँ पर सिंपली BTC USDT परपेचुअल और जितने भी आपके टॉप कॉइन्स है या फिर जो भी आपके फेवरेट कॉइन्स है वो आपको इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजिली कॉइन मार्जिन पेयर में या फिर USDT मार्जिन पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर अलग से आपको मीम का सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, आर्बिट्रम का सेक्शन भी मिल जाएगा, और कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग जो कॉइन्स है उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में, जहाँ पर मेरे कर्सर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे स्टोरेज है, स्टोरेज के सारे कॉइन्स यहाँ पर आ गए। तो ये कैटेगरी वाइज बहुत अच्छा इन्होंने करा है। लेवरेज जो है आप 1x से लेकर लगभग 200x तक की लेवरेज इसमें आपको दी गई है। तो काफ़ी हाई लेवरेज भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेड करते हो। इसके अलावा यहाँ पर MEXC का नाम देखो मार्केट में है, था और आगे भी शायद लंबे समय तक रहने वाला है। तो जिन भी लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए विदाउट KYC वाला अच्छा एक्सचेंज ढूंढना है तो भैया MEXC की तरफ आप जा सकते हो। MEXC का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आप बाइनेंस का एक अच्छा अल्टरनेटिव देख रहे हो तो एक MEXC ग्लोबल भी आपका अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो MEXC को भी आप डाउनलोड कर लेना। और वैसे भी इस मार्केट में 2-3 एक्सचेंज तो आपके पास होने ही चाहिए कि अगर एक एक्सचेंज में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा एक्सचेंज आपको उस समय संभाले या फिर आप जो भी ट्रेड करना चाहते हो वो ना रुक पाए। तो MEXC भी काफी अच्छा ट्रेडिंग एक्सचेंज है और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा MEXC ग्लोबल के बारे में।